मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बोधगया की पावन धरती पर, ज्ञान की धरती पर, माँ बोधि सांस्कृतिक केंद्र में हम लोग की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। इसमें हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश के महासचिव, सचिव और कार्यकारिणी के सदस्य, और इसमें सभी हमारे जिला के सांगठनिक रूप से हमारे 44 जिला है, सभी 44 जिला के हमारे जिला अध्यक्ष आए हुए हैं। और हम लोग यहाँ पर अपने पार्टी का विस्तार और आने वाला सबसे बड़ा चीज़ है कि 28 तारीख को, 28 नवंबर को पार्टी की स्थापना दिवस है। उस स्थापना दिवस में हम लोग गांधी मैदान में, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने हम लोग को निर्देशित किया है, इस बार स्थापना दिवस 28 नवंबर को हम लोग गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा जनसैलाब पूरे बिहार के कोने कोने से, उस पर रणनीति कैसे कार्यकर्ता आएंगे उसका विचार विमर्श था, पार्टी का संगठन, पार्टी की जो हम लोग यहाँ गठबंधन में है, उस सब बहुत सारी बातों पर चर्चा हुआ है। और उसी चर्चा में आपके शहर में हम लोग आए हुए हैं और अभी मीटिंग चालू है, क्योंकि आप लोग को 2:30 बजे टाइम दिया गया था, इसलिए मैं पहले आप लोग को संबोधन करने दें। तो हमारा मुख्य उद्देश्य था पार्टी का 28 तारीख को हमारी रैली और हमारा संगठन, और हमको आने वाले विधानसभा में हमारे सभी प्रभारी आए हैं, जिला के जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा में हम लोग विधानसभा भी चिन्हित कर रहे हैं। 21 विधानसभा से पार्टी, हालांकि तैयारी तो हम लोग 243 पे कर रहे हैं, पूरा मजबूत संगठन के साथ हम लोग तैयारी एनडीए की, लेकिन पार्टी कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेगी ये पार्टी के बोर्ड की बैठक में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बाकी अब इसके आगे आप लोग पूछना है। ये तिवारी जी, 3 वर्षों पे जो आपकी रणनीति बनती है, बनाई जाती है पार्टी की, उस पर चर्चा हुई है? 3 वर्षों पे, 3 वर्षों के लिए जो रणनीति बनाई जानी थी? नहीं नहीं, हमारी पार्टी देखिए, हमारी पार्टी की हमेशा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अभी देखेंगे रांची में हुई है, हमारी हर 3 महीने पे हमारी कार्यकारिणी की बैठक होती है, विभिन्न विभिन्न जिलों में होती है, पटना में भी होती है, और उसमें हम लोग पार्टी के संगठन और पार्टी की रणनीति पे हम हमेशा चर्चा करते रहे। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा हमारे सभी सांसद, हमारे कोर ग्रुप के सभी लोग, हम लोग पटना में चर्चा किए थे। पार्टी का काम हमेशा चलते रहता है, पार्टी का काम रुकता नहीं है, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमेशा संगठन के प्रति हमेशा अपना काम करती रहती है। जिस स्ट्राइक रेट से इस बार आप आए हैं लोकसभा में, उस स्ट्राइक रेट को देखते हुए आपने अभी विधानसभा की बात भी कही है, तो क्या माना जाए? किस देखिए, मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ, आदरणीय हमारे नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में 5 में 5 सीट हम लोग जीतने का काम किया 100% स्ट्राइक रेट से। उसी तरह बिहार विधानसभा में हम लोग जितना सीट हम लोग को मिलेगा उस सीट पे 100% स्ट्राइक रेट से जीतने का काम करेंगे। अभी जो क्रिमिनल और ये कि आरक्षण का मसला हुआ था, उसमें लोग बाग चिराग पासवान जी को तमाम तरह से आरोप लगा रहे हैं, तो उस पर आपको क्या कहना है? उसमें तो हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है, उसमें आरोप प्रत्यारोप देखिए लगाने वाले अब बहुत सारे साथी हैं, मैं हम लोग आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ते हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का स्पष्ट सब चीज पे, चाहे आप वक्फ बोर्ड का हो, चाहे आप क्रिमिनल लेयर पे हो, स्पष्ट है, उन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रख चुका है। आरजेडी के नेता तो क्या कह रहे हैं कि वो दलित के नेता है ही नहीं? आरजेडी के नेता कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, काम तो उनके पास कुछ है नहीं, तो उनको क्या है कि मीडिया में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो उनकी बात को हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। पार्टी काम में विश्वास करती है और जनता जनार्दन मालिक होती है बिहार की, और बिहार की जनमानस ने चिराग पासवान के नेतृत्व पे मुहर लगाया है और उनको 100% स्ट्राइक रेट से उनको विजय श्री दिलाया है।